यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। दोस्तों वाकई अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में किया ये आपको सारी चीज़ देखने और सीखने को मिलेगी थ्रू सिंबल्स, थ्रू शॉर्ट फिल्म्स। आपको ये सारी जानकारी दी जाती है यहाँ पे। रियली यहीं पर आके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बुद्धा पार्क के अंदर आ चुके हैं। अब हमने टिकट लिया है, बुद्धा पार्क म्यूजियम का भी टिकट लिया है। फिर म्यूजियम में चल के दिखाते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। और देख रहे हो क्या नेचर का वाइब है। बम्बू ट्री, एक्चुअली शहर के लोग ज़्यादा देखते नहीं। बम्बू ट्री देख लो, बम्बू ट्री, बांस का पेड़, गजब का वाइब है भाई। हम लोग अभी म्यूजियम में नहीं जाने जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद म्यूजियम में चलते हैं, फिर दिखाते हैं म्यूजियम का अंदर का, अगर मोबाइल अलाउड होगा तो, कैमरा अलाउड होगा तो। ऐसे चलते हैं आगे, फिर देखते हैं आगे क्या है। रोशन, यस, क्या वाइब गजब है ना ये देखो जंगल टाइप, या इसको जंगल टाइप बनाने की कोशिश किया गया है। ये देख लो, ये देख रहे हो वाइब, देखो अंदर शायद। अरे सबसे मस्त इधर का है यार, लुक देखो, लुक देखो भाई, बैकग्राउंड लुक देखो कितना गजब का लुक आ रहा है, गजब का लुक आ रहा है भाई साहब। लोग चलते हैं अंदर। भाई देख रहे हो ना कितनी गजब की वाइब आ रही है भाई, जंगल टाइप समझ, जंगल टाइप बनाया गया है यहाँ। अभी फिर और ग्रोथ होगा फिर अच्छा लगेगा देखने में। गांव में कभी बरगद के नीचे बैठ के पढ़े हो? चलो वो प्लेस दिखाता हूँ, बरगद के नीचे वाला प्लेस। बस ये देखो बरगद वाला भाई, भाई साहब देख रहे हो बरगद, यही पहले के ज़माने में यही बरगद के नीचे बैठ गए बुद्ध भगवान पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। गजब का भाई है, मस्त लग रहा है। दिखाते उसका 360 दिखाता हूँ। गजब का भाई है भाई, लोग चलते हैं। हम लोग वाइब कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिए, अप्रोक्स 10 से 15 बार बोले दिए वाइब, क्या करें। ऐसा जगह है यार, बिना बोले रहा ही नहीं जा रहा है। गजब का व्यू आ रहा है भाई। फ्रंट कैमरा देखो, फ्रंट आगे का देखो, आगे का दिखा रहा हूँ, आगे का देखो।
तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे आकर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिलेगी, बुद्धा पार्क। हाँ, जो कि पटना स्टेशन के बगल में पड़ता है ये बुद्धा पार्क। यहाँ पर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। यहाँ पे हर जगह स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सॉन्ग बजाया जाता है, एकदम ऐसा सॉन्ग जो बैठकर हरी भरी घासों पर आप लोग उस म्यूजिक का आनंद ले सकते हो। हम लोग चलते आगे पीछे, पानी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, झील टाइप है। चलते आगे और दिखाते हैं आगे का व्यू। तो गाइज, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो बुद्ध स्तूप है। यहाँ पे लोग ध्यान के लिए जाते हैं। इसके चार्ज 50 रुपीज़ हैं। जिस तरह से दिल्ली में लोटस टेंपल है, उसी तरह से पटना में जो है साधना के लिए लोग यहाँ जाते हैं, लोग शांति के लिए यहाँ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली बुद्धा म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या है। अगर कैमरा अलाउड रहा तो जरूर दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है, और ऐसे अगर नहीं दिखाया गया तो आप लोग आओ, यहाँ पे अच्छा डिस्टिनेशन है, आप लोग आओ घूमो, बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आपको हर चीज़, यहाँ पे लेजर शो भी होता है। मैं टिकट प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लेना। और ये बहुत ही अच्छा जगह है यार, आओ घूमो। हम लोग चलते हैं अंदर। ये रहा म्यूजियम, हम लोग चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं अंदर का सीन अगर अलाउड रहा तो। आई एम सो सॉरी गाइज, अंदर का म्यूजियम मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। इसलिए गाइज, हम लोग सोच रहे थे म्यूजियम छोटा, बस उनके बारे में बताया नहीं, उनके बारे में पूरी कथा बताई गई है अंदर। आप लोग आओ एक बार विजिट करो, कहीं जाओ मत जाओ, म्यूजियम में जरूर आना यार, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। क्या रोशन क्या हुआ था, क्या लगा प्रोजेक्टिव पूरी उनके बारे में शॉर्ट फिल्म दिखाई गई है। फिर अंदर मतलब आराम से बैठ के, शांति पूर्वक बैठ के आप लोग अंदर। गाइज, अंदर मैंने तो देखा, साथ में एक फ्रेंड रोशन है, ये बताएंगे आगे कि अंदर क्या क्या देखा उन्होंने। दोस्तों वाकई अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में किया, ये आपको सारी चीज़ देखने और सीखने को मिलेगी थ्रू सिंबल्स, थ्रू शॉर्ट फिल्म्स। आपको ये सारी जानकारी दी जाती है यहाँ पे। रियली यहीं पर आके आपको बहुत ही ज़्यादा
अच्छा फील होगा। हाय भैया। हाय। इस पार्क में आकर आपको आगे कैसा लगा? इस पार्क में हम पहला बार नहीं आए हैं, इस पार्क में हम 4-5 बार आ चुके हैं और यहाँ का जो लेजर शो होता है वो हमें बहुत पसंद है जो कुछ समय में स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, और यहाँ पे आपको आकर शांति मिलती है? शांति का जगह है, शांति तो ज़रूर मिलेगा। जब भी हम आते हैं मेरे साथ में गुलशन मेरा दोस्त है, हाय भैया, हम लोग को जब भी मौका मिलता है हम लोग आते हैं। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अभी हम आप लोग को कुछ देर के लिए जो है एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो बिहार के मानचित्र को दर्शाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इंट्रोगेटिव होने वाला है, सो आप लोग इसे देखना ना भूलें और बिल्कुल कॉन्शियस होकर देखें। थैंक्स।
से लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला। दोस्तों आपने हमारे साथ देखा कि बुद्ध स्मृति पार्क कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ हमें भगवान बुद्ध के बारे में सीखने को मिली और बिहार के बारे में सीखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा सचमुच खूबसूरत है और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। सॉरी गाइस थोड़ा अटपुरा बहुत ठंडा लग रही है यार, जब लोग निकलते हैं घर ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों वैक्सीन आ चुकी है, फाइनली आखिरकार वैक्सीन आ ही चुकी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ चुकी है तो कोरोना चला गया, हमें उतनी ही सतर्कता बर्दाश्त करनी होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जो रूल है उसको प्लीज़ फॉलो करें और जो भी गाइडलाइंस आ रही है हमारे सरकार के द्वारा उनको फॉलो करें। और थैंक यू, गुड बाय, किसी मिलते किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।